ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि केपी यादव को ये सीट देनी चाहिए। वहीं उनके बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस की चिंता करें, बीजेपी की नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद उनकी राज्यसभा सीट खाली हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये मध्य प्रदेश की सीट है और किसी मध्य प्रदेश के नेता को ही इसका हक मिलना चाहिए। केपी यादव को ये सीट मिलना चाहिए। अमित शाह वादा करके गए थे कि उनको उनका हक दिलवाएंगे। राज्यसभा का चुनाव भी है, जैसा मैंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है उनकी। हम लोगों को जो संदेश मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से किसी व्यक्ति को यहाँ राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को संदेश भेजें कि ये मध्य प्रदेश की सीट है, यहाँ मध्य प्रदेश के नेता का हक है और यहाँ के व्यक्ति को ही ज्योतिराज सिंधिया जी की उस राज्यसभा की रिक्त सीट पर भेजे। और मैं समझता हूँ कि केपी यादव से अमित शाह वादा करके गए थे, हमारे प्रदेश का है, उसका राजगद्दी ने उसका हक छीना, तो अमित शाह जैसे लोगों को उसका हक दिला दे केपी यादव। वही सज्जन सिंह वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नारा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भगवान राम के नाम का सहारा लिया है। परिणाम स्वरूप भगवान राम ने भी आपको उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है उज्जैन और ये योजना कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री था, हम लोगों ने लागू की थी। बड़ा अच्छा महाकाल लोक बन गया है। तो एक डरा हुआ मुख्यमंत्री कि कहीं फिर मूर्तियां ना गिर जाएं, तो मूर्तियां ऐसे नहीं गिरती हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे वहाँ के नेताओं के रहे हैं जिससे मूर्तियां गिरी थी। एक बड़ा बैड मैसेज गया था पूरे भारत में। तो अच्छा है, अच्छी मूर्तियां लगाएं, संगमरमर की लगाएं, पत्थर की लगाएं, ताकि धर्म की रक्षा जो ईमानदारी की है वो आप लोग कर पाए। वरना भगवान श्री राम को तो आपने अपनी राजनीतिक लाभ सुख के लिए सड़क पे ला दिया। वो नारा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तुम राम को राजनीति की सड़क पे ले आए तो भगवान राम ने भी तुमको उत्तर प्रदेश की सड़क पे चारों खाने चित कर दिए। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राज्यसभा सीट केपी यादव को देनी चाहिए। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, कांग्रेस के नेता कांग्रेस की चिंता करें, भाजपा की चिंता न करें। समय पर जो भी अनुकूल और योग्य व्यक्ति होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। देखिए, बेहतर हो कांग्रेस के नेता करें कांग्रेस की चिंता करें, भाजपा की चिंता करने के लिए भाजपा बहुत है। जिसको भी समय पे जो भी हमें योग्य लगा अनुकूल लगा उसका निर्णय हो जाएगा, उसका नाम तय हो जाएगा। और ये भाजपा का विशेष अधिकार है कि भाजपा में कौन जाएगा। कांग्रेस तो चिंता करेगी जीतू पटवारी को कब पद से हटाना है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, वोट प्रतिशत कम हो गया, लाखों वोट कम हो गए, उमंग सिंगार के रहते तीन तीन विधायक छोड़ के चले गए, नया नेता प्रतिपक्ष कौन हो, कमलनाथ छिंदवाड़ा से हार के बोरिया बिस्तर लेके जा चुके हैं, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से हार चुके हैं। तो कांग्रेस चिंता करेगी, उनके कई नेताओं के युग समाप्त हो गए, कई नेताओं के नेतृत्व के अंदर करारी हार हुई, उसकी चिंता करे कांग्रेस, भाजपा की चिंता करना छोड़ दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।